हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए, यह है खेसारी और इसे कई जगह तिवरी के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे कसूर बोलते हैं और इसे कई जगह कसार के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे तिवरा के नाम से जाना जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें ज़रूर बताना। गुजराती में इसे लांग भी बोलते हैं और नेपाली में केसारी के नाम से जाना जाता है। पंजाबी में किसारी के नाम से या चुराल के नाम से जाना जाता है ना। इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। बहुत से लोग इसके जो दाल होते हैं इसे चाव के साथ खाते हैं। तो आज के 5 मिनट के वीडियो में बताई गई जानकारी, इसके जो फ़ायदा बताऊंगा वो आपको हमेशा काम आने वाले हैं। इसके जो दाल होते ना, इसका फ़ायदा बताने वाला हूँ। काफ़ी स्वादिष्ट होता है, बहुत से लोग इसे, छत्तीसगढ़ के लोग खासकर इसे चाव के साथ खाते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद में खेसारी की दाल की जो गुड़ है, पौष्टिकता के आधार पर इसे बहुत ही ज़्यादा उत्तम बताया है। वात, पीत और कफ तीनों दोषों को शांत करने वाला बताया है। तो कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, हर वीडियो में बोल चुका हूँ, जानकारी लेना आप सभी को जरूरी है। अभी नहीं तो बाद में चल करके जानकारी जो जरूरत होती है वो बाद में फायदे पहुँचा सकते हैं, आपको यूज हो सकती हैं, बाद में वो जानकारी की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके औषधीय गुणों की बात करूं तो ये आंखों की बीमारी को दूर करने का काम करते हैं, जैसे कि आंखों में दर्द है, रतौंधी है, आंख में लाल होना है, आंख संबंधी जो भी परेशानी है, तो इसके पत्ते को उबाल करके शाक के रूप में सेवन करने से आंख की बीमारियां दूर हो जाती हैं। खासकर किसान लोग इसके पत्ते की सब्जी बना करके काफ़ी खाते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं और ये हमारे शरीर को निरोग रखने का काम करते हैं। इसके भाजी खाने से डाइजेशन सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है। खाना खाने के बाद जिन लोगों को अपच होती, पचती नहीं, तो इसके भाजी खाने से काफ़ी ये पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। इसके बाद दोस्तों, ये आपके गांठ से छुटकारा दिलाने का काम करते हैं। कभी कभी ना हाथ पैर में गांठ पड़ जाती हैं और फूटने का नाम ही नहीं लेती, काफ़ी दर्द होता है। तो इसके बीजों को पीस करके थोड़ा सा गर्म करके पोटली बना ले, भिगा करके और गांठ पर बांधे, गांठ बिल्कुल ही पक करके फूट जाते हैं और पीप जो होता है ना वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद जिन लोगों को खून की कमी रहती है उन लोगों को बताना चाहूँगा, जब तक कि भाजी मिले इसका तब तक कि आपको सेवन करना है। ये खून की कमी को हमारे शरीर में पूरा करने का काम करते हैं, हमारे पूरे शरीर को स्ट्रांग बना देते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसके चलते हमारे शरीर की सुस्ती कमजोरी भी दूर होती हैं। तो ये थे कुछ छोटे से जानकारी खेसारी के संबंध में। खेसारी को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।